subscribe to my channel. And also press this bell icon. Welcome back, my dear friends. I'm Yavar Zafar and I welcome you back to my YouTube channel. My dear friends, पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप सबसे पहले वो वीडियो देख लें. आज जो टेंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इजी और बहुत इम्पॉर्टेंट टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का. हम आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, हम इसका यूज़ कब और कैसे करते हैं और हम हमारी लैंग्वेज के सेंटेंस को कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो दोज एक्टिविटीज़ दैट वी आर डूइंग और द वर्क्स विच आर इन प्रोग्रेस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज उन कामों को दिखाने के लिए किया जाता है जो अभी शुरू है, या वो काम जो हम अभी कर रहे हैं, वो काम जो शुरू है. फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही है, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, हवाएं चल रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो बस मुंबई से आ रही है, ये ट्रेन कहीं से आ रही है. तो ये सारे के सारे सेंटेंस हुए आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के. अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मूले की. तो ये है आपके सामने फॉर्मूला. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, वर्ब्स आई एन जी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अब बात कीजिए सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो ये सब्जेक्ट जो होता है ना, ये होता है डूअर. जो कोई भी काम कर रहा है वो है आपका सब्जेक्ट. फिर बात कीजिए हेल्पिंग वर्ब की. तो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ये तीन, एम, इज और आर. अब एम का यूज हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ आई के साथ. आई अगर रहा आपका सब्जेक्ट तो आप यूज करेंगे एम. फिर बात करते हैं दूसरे हेल्पिंग वर्ब की, इज की. तो इज हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या तो फिर ही, शी, इट या कोई भी वन ने. अगर इनमें से कोई एक रहा तो आप यूज करेंगे ये इज. बात कीजिए आर की. तो आर का यूज होता है प्लूरल चीजों के साथ, या तो फिर वी, दे, यू, टू और मोर नेम्स, इनके साथ आप यूज करेंगे ये आर. अब देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हमेशा हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. और ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट होता है आपका जिस चीज पर काम हो रहा है, जिस चीज पर काम हुआ है वो है आपका ऑब्जेक्ट. तो ये है आपका कलेक्टिव फॉर्मूला. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब चलिए हम समझ लेते हैं इस फॉर्मूले की बेस से कुछ एग्जांपल्स को. फॉर एग्जांपल, मैं चाय पी रहा हूं. आपके सामने सेंटेंस है, मैं चाय पी रहा हूं. आप देखिए मैं चाय पी रहा हूं. आप गौर कीजिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है. तो अब आप ये देखिए, ऑब्वियसली मैं आपका सब्जेक्ट है तो आप लिख देंगे आई. ओके, फिर आई के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो आप लगाएंगे एम, आई एम. फिर पीना, पीने के लिए वर्ब है ड्रिंक, तो आप लिख देंगे ड्रिंकिंग, आईएनजी लगाएंगे ना आप. किसे पी रहे हो, चाय को, तो टी. आपका कलेक्टिवली सेंटेंस बन गया आई एम ड्रिंकिंग टी. ये आपके पास सेंटेंस है कि आई एम ड्रिंकिंग टी. मैं कहूँ आपको कि अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है, ये आपके पास सेंटेंस है अभी बारिश हो रही है. अब देखिए बारिश होने के लिए खुद एक वर्ब है रेन. रेन यानी बारिश होना. तो अब आप ये देखिए कि इसमें सब्जेक्ट डायरेक्टली कोई है नहीं, तो हम डमी सब्जेक्ट लेंगे इट. तो हम कहेंगे इट, उसके हिसाब से लेंगे हेल्पिंग वर्ब इज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म. इस रेन में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे रेनिंग और अभी नाउ. तो आपका सेंटेंस बन गया इट इज रेनिंग नाउ. एक और एग्जांपल देखिए कि हम ये वीडियो देख रहे हैं. देखिए आपके पास एक एग्जांपल है कि हम ये वीडियो
देख रहे हैं। फिर आप ऑब्जर्व कीजिए, काम हो रहा है, समझ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप कहेंगे वी, आप लाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर, देखने के लिए वॉच, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे आप, वॉचिंग दिस वीडियो। सो आपका सेंटेंस बन जाएगा वी आर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से और हम बोर्ड पर इसे समझते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। दूसरे एग्जाम्पल्स हम बोर्ड पर समझते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके स्क्रीन पर है कि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है, या इसको आप घूम रही भी कह सकते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। तो अब आप ये देखिए कि कोई काम हो रहा है, समझ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और आपके पास उसका फार्मूला है सब्जेक्ट एम इज़ आर वर्ब्स आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले में ढालकर आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपका सब्जेक्ट कौन घूम रहा है, तो ऑब्वियसली ज़मीन है, तो ज़मीन को कहते हैं इंग्लिश में दी अर्थ, वो सिंगुलर है, आप कहिए इज़। अब क्या कर रही है, तो घूम रही है, वर्ब यूज़ करना है ना आपको, तो घूमने के लिए गर्दिश करने के लिए इंग्लिश में वर्ड है वर्ल या रिवॉल्व। तो आप या तो वर्ल बोलिए या तो रिवॉल्व बोलिए, चलिए मैं रिवॉल्व कहता हूँ, तो हम कहेंगे रिवॉल्विंग। फिर किसके गिर्द, तो सूरज के गिर्द है ना, तो सूरज के गिर्द या सूरज अतराफ के लिए वर्ड है इंग्लिश में अराउंड, तो आप कहेंगे अराउंड द सन। तो आपका सेंटेंस कलेक्टिवली बन गया द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड दी सन। ओके, आई होप आपको एक एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल। मैं अपना काम कर रहा हूँ, फिर ये काम हो रहा है, ऑब्वियसली प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आप कहेंगे सब्जेक्ट है आपका आई, हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे एम, करने के लिए वर्ब है डू, आप कहेंगे आईएनजी फॉर्म, तो डूइंग माय वर्क। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना यानी मेरा, तो आप कहेंगे आई एम डूइंग माय वर्क। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके बोर्ड पर ये रहा कि मैं इस टेंस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये सेंटेंस जो है थोड़ा बड़ा है, बट आप ये ऑब्ज़र्व कीजिए कि इस सेंटेंस में दो वर्ब्स है, एक तो समझना और एक तो कोशिश करना। बट आप ये देखिए कि कर रहा हूँ किसके साथ है, ऑब्वियसली कोशिश के साथ है, तो कोशिश के साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और समझने ये इन्फिनिटिव वर्ब है, तो इसको आप टू के साथ अपनी फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए कि सब्जेक्ट एम इज़ आर वर्ब्स आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले से सेंटेंस को बनाएं आप। आपका सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, तो आप लिखेंगे आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा एम, तो आई एम, अब कोशिश कर रहा हूँ पहले, तो ट्राइंग, ट्राई उसमें आईएनजी लगा दीजिए, तो आई एम ट्राइंग, समझने की, तो टू अंडरस्टैंड, आपका सेंटेंस बना आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अब ऑब्जेक्ट हुआ इस टेंस को, किसको, तो इस टेंस को, तो दिस टेंस, तो आपका कलेक्टिवली सेंटेंस बन जाएगा आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस टेंस। कोई आपको कहे मैं आपकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। कोई कह रहा है कि वो वहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रहा है, तो ही इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्राम देयर। कोई कहे कि वो खाना बनाना सीख रहा है, तो ही इज़ ट्राइंग टू कुक फूड। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस कह सकते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये काम फिर हो रहा है, तो आप कहेंगे आपका सब्जेक्ट हुआ यू, हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर आर, देखने के लिए वॉच, तो आईएनजी लगा देंगे आप, तो यू आर वॉचिंग इस वीडियो, दैट मीन्स दिस वीडियो, सो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से ये सेंटेंस आपका बनेगा। तो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंसेस ये एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप अपने लिए इसको खूब प्रैक्टिस करें, अपने तौर पर सेंटेंसेस को सोचें और बनाएं। कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर पर आप कॉल करके मुझे भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि उसमें हम कोई काम का ना होना कहते हैं। कि भाई अब तक तो हम कहते हैं कि भाई हम करते हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, हम कोरोना से नहीं डर रहे हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस हो गए आपके निगेटिव सेंटेंसेस। और आपको मैं पहले ही कहा हूँ कि निगेटिव सेंटेंसेस में हम जनरली नॉट यूज़ करते हैं
और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। तो आपके बोर्ड पर एक एक सेंटेंस देखिए कि हम इन दिनों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आपके इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा हम, हमको इंग्लिश में कहते हैं वी, उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब लगाओगे आर, वी आर। अब ऑब्वियसली नहीं कर रहे तो नॉट आ जाएगा, सो वी आर नॉट स्टडिंग नाउअडेज। पढ़ाई करने के लिए स्टडी, उसमें आप आईएनजी लगा देंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा वी आर नॉट स्टडिंग नाउअडेज। तो इस आर नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में आरंट भी कह सकते हैं, और आप इसे वी आरंट स्टडिंग नाउअडेज भी कह सकते हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए अब कि अली और रानी टीवी नहीं देख रहे हैं। ऑब्वियसली अली और रानी दो लोग हैं, दैट मीन्स प्लूरल है, तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। सो अली एंड रानी आर नॉट वॉचिंग टीवी, अली और रानी टीवी नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपना परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब फिर देखिए इस सेंटेंस में दो वर्ब्स है, एक सुधारना और एक कोशिश करना। तो वही जो मैं आपको बताया इन्फिनिटिव वर्ब मेन वर्ब की बात, कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कोशिश आपका मेन वर्ब हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि वो अपना परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो एक एक पर्सन है, तो आप कहेंगे ही इज़ नॉट ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। इज़ नॉट को आप इज़न्ट भी कह सकते हैं, तो ही इज़न्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। सो आप बहुत सारे दूसरे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और खूब इसको इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच।